दोस्तों आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये 28 अक्टूबर का है। इस दिन हम गए थे सोफ़ा ख़रीदने के लिए और हमने एक दुकान में विज़िट करा जहाँ पे मैं, मेरा भाई और मेरे पापा तीनों जने गए थे और काफ़ी बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी वैरायटी के अलग अलग प्राइस रेंज के सोफ़ा हमने देखे। अच्छा, मैं आपको पहले दुकान के बारे में बता देता हूँ कि ये दुकान आखिर है कौन सा और कहाँ पे है। दोस्तों इस शॉप का नाम है श्री गणेश फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें दोस्तों, ये शॉप आपको मिल जाएगी गोंदवारा से रिंग रोड जाने वाली रूट पर लॉ कुश फर्नीचर के सामने। जो आप देख रहे हो ना, ये सोफ़ा सेट 5 सीटर, ये 28,000 की है। तो दोस्तों हमने पहले दिन यहाँ पे अलग अलग प्राइस रेंज के और अलग अलग वैरायटी के सोफ़ा देखे और हमें काफ़ी अच्छे लगे और फिर हम अगले ही दिन यानी कि 29 अक्टूबर को यहाँ पे सोफ़ा परचेस करने के लिए आ गए। और दोस्तों यहाँ पर हमें सोफ़ा की खरीदी पर डिस्काउंट भी दिया गया, बाकी उसे हम मेंशन नहीं कर सकते। जब आप यहाँ पे विजिट करोगे तो शॉप ऑनर आपको ज़रूर डिस्काउंट ऑफर देंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ 29 अक्टूबर को जब हम यहाँ पे सोफ़ा ख़रीदने के लिए विजिट करते हैं। तो दोस्तों हमने इस चॉकलेटी ब्राउन कलर के सोफ़े को 30,000 में फाइनल किया, ठीक है। और साथ ही हमने एक टी टेबल खरीदा जिसका प्राइस था 2,000, तो हमें टोटल कॉस्ट पड़ा 32,000। और हाँ दोस्तों, मैंने इसमें अभी डिस्काउंट मेंशन नहीं किया। तो दोस्तों हमने पेमेंट कर दिया है, हमने कैश पेमेंट किया और साथ ही हमें सोफ़ा को शॉप से घर तक ले जाने के लिए एक पहचान वाले अंकल भी मिल गए जिन्होंने 300 रुपीज़ में ही सोफ़ा को एकदम सही सुरक्षित हमारे घर तक पहुँचा दिया। दोस्तों आपको श्री गणेश फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस की सुविधा तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी वैरायटी के सामान मिल जाएंगे। हमारी जो है पूरा गाड़ी मेरा खा चुका है, अब यहाँ से चलने की बारी है। थोड़ी देर मैं आ चुका हूँ घर गणेश फर्नीचर से वापस और अभी अपना सोफ़ा सेट जो आने वाला है छोटा हाथी में, पापा भी छोटा हाथी में आ रहे हैं। और आइए वो आपको रूम दिखाता हूँ जहाँ पे सोफ़ा रखाने वाला है। तो ये वाला अपना रूम है जहाँ पे सोफ़ा जो है रखाने वाला है। छोटा सा रूम है लेकिन बाकी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी रूम भर जाएगा। अभी बस ये खाली दिख रहा है, सामने तो पहले से ही कंप्यूटर का टेबल रखा है। ये आ गया अपना सोफ़ा दोस्तों, ठीक है चलिए नीचे चलते हैं। तो अपना सोफ़ा जो है आ चुका है, अब यहाँ पे जो है वर्कर नहीं उतारने के लिए यहाँ पे हमको खुद हाथ से उतारना पड़ेगा। चलिए मैं तो देखिए अंकल जी काफ़ी सुरक्षित लेकर आए हमारे सोफ़ा को। बहुत ज़्यादा थक गया यार, ठीक है अभी तक सबसे बड़े वाला बचे है जो है सबसे बड़े वाला बचे, ठीक है चलो निकालते ना। दोस्तों दो छोटे छोटे सोफे तो चले गए, लेकिन अब चैलेंजिंग ये था कि इस बड़े वाले सोफे को रूम के अंदर कैसे ले जाया जाए। क्या करें ना, मेला इसे अभी आधा था, इस कैसे खड़ी करें, आज ही हाइट है पूरी तो 60 मिनट ले आधा था ले तो खड़ी कर रहा है यहां पर उठा ले। तो दोस्तों जो बड़ा सोफा था वो भी फाइनली रूम के अंदर आ ही गया। फाइनली जो है अपना पूरा सोफा सेट अपने रूम में आ गया है। इधर है 3 सीटर वाला सोफा और जो दो टुकड़े छोटे छोटे वो इस साइड है। तो बस अभी इसके पॉलीथीन को जो है फाड़ेंगे बैठेंगे और ये आ गया अपना टी टेबल। दोस्तों जब भी घर में कोई नई चीज़ आती है तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं नई चीज़ को लेकर। तो आइए देखते हैं नए सोफे को लेकर हमारे घर का माहौल कैसा होता है। नया सोफा आते ही यहाँ पे चीरा फाड़ी चालू हो, चाकू लगे भांग से काटते हैं और डाल दो ना। तो अभी हमने ट्राई करा था थोड़ा सोफा में, हम बैठे रहे, मम्मी हमारा सर्व करी, मतलब हम पहले जमीनों बैठे रहे भुया में,
कुछ भी मम्मी खाबर लाया था अभी हमन सोफा में बैठे तो कैसे फीलिंग आते हैं, वो फीलिंग हमन जो है महसूस करने वाला है। ठीक है, तो कोई बड़े बात ना है ना छोटे बात है रे, बस ये घर घर के बात है रे, छोटे छोटे खुशी के। ठीक है मम्मी लान जल्दी हो तो भी आने वाला है चाय। अच्छा लगता है इसे पैर रखना 300 हिसाब से ना कमेली तैसे लगी इसमें गाड़ी वाले मतलब ना वो पूरा देखो पूरा बांधी से अपने बांधी से अपने जमाई से था पूरा बांधी से था। मम्मी चाय वाले लाड रहे और बीच वाला फीलिंग आपका सागर है चाय वाले सर्व कर रहे थे पार्ले जी है साथ में। ठीक है चलो अपन पहुंचा। अरे हम पानी नहीं पड़ना चाहिए बोलते दे माए दे घूम बोली से फूल जाते हैं पपड़ी पपड़ी डे समझ गए तो पानी पड़ा है। अरे बताई समझ जाना तो पानी पड़ना चाहिए देवाला सोफा भी बैठ सकता है की थो, लेकिन अभी थोड़ी पूजा की नया है जो स्प्रिंग वाला है ना स्प्रिंग वाला अच्छा नहीं रहा हुआ वो शादी में अरे वो कर स्प्रिंग में देखो ना बहुत अजीब रिफ्लेक्शन हवा है खराब हुई देख ना खुद के देख नहीं तो जीवन तरी वो अजीब स्प्रिंग है स्प्रिंग का कोई सोफा नहीं बना सिर्फ लकड़ी वाला छोड़ वो पता है वो कर अंदर अजीब टाइप की लकड़ी वाला है एकदम तने वाला वो ह्यूमन तो बनाते हरी वो अंदर में रेक वेक का अंदर में रेक वेक देखा कुछ रखे के अंदर में कुछ रेक वेक टाइप देखा रखे दोस्तों। इस सोफा के रेट बता तो मैं ना 30,000 के है रे और टी टेबल हमारा अलग से ले पड़ी से टी टेबल कितना पड़ी सागर 2,000 के टी टेबल अलग से ले पड़ी। ठीक है तो टोटल जो है 32,000 मतलब 32,000 के गणेश फर्नीचर में गुंदवारा से रिंग रोड जाने वाला रोड में हवा है। ठीक है रिलायंस पेट्रोल पंप के पास लव कुछ फर्नीचर के सामने तो देख लूँ अगर आप मतलब खरीदना है तो संदूक लाओ कहीं हाथ लेकर के अच्छा मोर संदूक यहाँ से पहले से गायब हो चुके हैं पता नहीं है मोर संदूक की जगह कहाँ रही था यानी कलर मने नहीं था पापा वो करिए करिए लागे एक हम मिलती जो के लेंगे करिए अब वो ठीक तो है वो किसी दिखी ज्यादा गंदा हुआ नहीं गंदा मस्त बढ़िया दिखी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहीं तक था मैं इसको समाप्त करता हूँ। ठीक है इसको बस हम लोग सेटिंग्स करने वाले मतलब कि वो जो बड़ा सोफा है इसको इधर लाएंगे ये दोनों छोटे सोफा को उधर ले जाएंगे बस यही करना है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ठीक है बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में देखते रहिएगा। ठीक है।